लोगों सभाओं में हमने की है, कल भी करेंगे, पेपर मीडिया में भी बातें आएगी। ये पढ़ने लिखने और गंदगी का जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं। अमीर के बच्चे 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया देकर के प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, वो ज्यादा नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, और जो सरकारी विद्यालय है उसकी पढ़ाई ठीक नहीं है, इसलिए कि गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो ये साजिश है, इस साजिश को भी मिटाना है, और जो हमारे नीतीश कुमार जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम लोग चुनाव जीत करके वहाँ गए, तीन चार आदमी मिलेंगे, तो निश्चित रूप में उन पर दबाव डालेंगे कि आप अच्छा काम कीजिए, और नहीं अच्छा काम करेंगे तो फिर बहुत बात नहीं है, हम बात और ज्यादा समझना है। और दिनेश प्रसाद जी आपके आगे हैं, और हर गरीब को जात पात पर भले बांट दिया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और हिंदूवादी व्यवस्था, हम लोग सब एक माई बाप के औलाद हैं। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व परिराखा, रामायण में बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व परिराखा, जो दस करी से तस्कर करता, यानी काम के आधार पर निर्णय होता है, लेकिन यहाँ जात के आधार पर दूर करने का उपाय एक ही है कि आप लोग सब चीज भूल करके ये सोच करके हम लोग एक माए बाप के औलाद हैं, और गरीब का जात एक होता है, समाज में दो ही लोग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब, कोई दूसरा जात नहीं है, सब गरीब है, और जो गरीब है उसको एक साथ सोच करके निर्णय लेना चाहिए, अगर वैसा कीजिएगा तो निश्चित रूप में हम लोग आगे बढ़ करके गरीबों के लिए जो काम करना चाहते हैं, या नौ वर्ष नौ महीना में जो हम दिशा दिखलाए थे उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए रात्रि का वेला है, ज्यादा समय हम नहीं देना चाहते हैं, इसलिए भी कि पता नहीं आज आचार संहिता का भी मामला चलता है, इसको देखते हुए हम यहीं पर बात बंद करते हैं, और अनुरोध करते हैं कि 9-6 पर जो पांचवा सीरियल में है 21 तारीख को आप लोग बटन दबा करके हमारे दिनेश निषाद जी को जुटाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।